गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली। सुबह के 7 बज चुके हैं और मम्मी सुबह सुबह मेरे को खेत दौड़ा रहे हैं। कहाँ मैं बेचारी 9-10 बजे उठने वाली लड़की सुबह सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे किल्टा लेके, बाय द वे इसको किल्टा बोलते हैं, इसमें मैं घास लेकर आऊँगी अभी, तो किल्टा लेकर जा रही है खेत, और खेत में जाके अभी मुझे घास काटना है और घास लेकर आना है घर। मम्मी भी आगे, दिखाती हूँ, वो आगे जा रहे हैं, एक पड़ोस की हमारी बुआ जी है उनके साथ। पिछले व्लॉग में जो मैंने आप लोगों को खेत दिखाए थे वो तो घर के सामने वाले खेत थे। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा आगे, गांव से थोड़ा नीचे एक जगह पड़ता है जिसे हम सारियों कहते हैं, तो वहां जाना है। तो वो इस पहाड़ के इस साइड है, मतलब इस पीछे है, तो वहां तक अभी हम पैदल जाएंगे और वहां से लेकर घास लेकर इस रास्ते से होकर घर जाएंगे। अब मुझे लग गया पता कि मम्मी सुबह सुबह क्यों बोल रहे थे कि जल्दी उठ और जल्दी जाके, क्योंकि धूप आ जाएगी ना। मम्मी को एक्सपीरियंस है, रोज़ जाते हैं। तो अब मैं लेट गई, हालांकि 7 बजे भी मम्मी के लिए लेट है, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा अर्ली इन द मॉर्निंग है। अभी देखो यहाँ से होकर ऊपर और यहाँ से ऊपर सीढ़ियों वाला रास्ता है, इस रास्ते से होकर मेरे को जाना है ऊपर। देखो भाई दोस्तों, ऐसे ऐसे रास्ते से होकर ना सुबह सुबह खेत जाते हैं घास लाने, जिम जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है घर वालों को। हाय मेरी मैया, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चल के थक गई यार मैं तो। तभी सोचो कि गाँव वाले ने इतना फिट कैसे रहते हैं, रोज़ इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो फिटनेस तो आएगी ना बॉस। मेरे जैसे लोग प्लेन में रह रहे के उनसे इतनी सी सीढ़ियाँ भी नहीं चली जा रही। भाई अदिति, एक महीना जो मेरा हालत होने वाला है ना घर में, रोज़ ये चढ़ाई चढ़ के फिट हो जाऊँगी। वैसे मैं फिट हूँ पर और फिट हो जाऊँगी। वैसे थैंक्स टू माई दादा दादी कि जिन्होंने दिमाग लगा के थोड़ा सा ना घर जो है वहाँ नीचे बनाया, चुनंग, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ चुनंग बोलते हैं, स्कूल के साथ है, तो मुझे ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती है। अगर मेरा घर गांव में होता ऊपर तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के ना रोज़, मतलब एक तो इतनी दूर चंडीगढ़ से आओ, 12-13-14-15-16 घंटे का रास्ता तय करो, उसके बाद आकर ये सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर जाओ, ना बाबा ना। वैसे एक घर हमारा गाँव में भी है, वहाँ पर ताऊ जी वगैरह रहते हैं, तो अभी मैं जाऊँगी कुछ दिन में उनसे मिलने भी, तो आप लोग को मिलाऊँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल खेत चले जाते हैं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, थक गई। भाई साहब कैसे चल लेते हैं इतनी सारी सीढ़ियाँ, मेरी हवा टाइट हो गई। एक तो ये मौसम का पता नहीं लग रहा यार, कब धूप निकल रही है कब बादल आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई इनको बताओ कोई, इंद्र देवता जी मई का महीना चला है, इस टाइम तो हम लोग ना लाइक वैसे बोला भी नहीं जा रहा, समझ जाओ। स्वेटर तो कहाँ पहना होता है हमने, यहाँ तो जैकेट पहनने की नौबत आई हुई, इतनी ठंड है। अभी हम उस जगह पर है जो हमारा मेन टास्क है, वो है ये वाला रास्ता। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये रास्ता तो सिंपल सा है, इसमें कौन सा टास्क हुआ। एक्चुअली आजकल जो है ना सांप ज़्यादा होते हैं, स्नेक्स, तो घास में तो ज़्यादा ही होते हैं, तो मुझे देख देख के चलना पड़ेगा, कहीं पता चला सामने से आया टस तो हो गया फिर मेरा धस। मम्मी मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, मैं इतना फास्ट चल रही हूँ क्या। एक्चुअली फास्ट फास्ट चलने का एक और रीज़न है, मम्मी के साथ एक और एक बुआ जी आ रहे हैं पड़ोस के, और मुझे ना ऐसे तो लोगों के सामने मैं व्लॉग बनाने में कंफर्टेबल हूँ, मेरे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये जो अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं ना, बड़ी शर्म सी आती है यार। फिर यूँ देखते हैं हाँ फोन में क्या बना रही है, पता चला बुआ जी ने ये व्लॉग देख लिया। बुआ जी नहीं नहीं आपसे नहीं शर्मा रही हूँ, बट थोड़ा सा समझो ना, अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए मैं आप दोनों को छोड़ के आगे आगे निकल गई, ताकि मेरा व्लॉग भी शूट हो जाए मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, और थोड़ा पहले पहुँच के आराम भी कर लूँ। एक और एक चीज़ यार, घर आकर ना मैं काली हो गई, देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरे को पानी सूट नहीं होता गाँव का, काला हो जाता हूँ मैं। अगर आप में से किसी ने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं ना यूट्यूब पे, तो आपको ये घर जाना पहचाना होगा। भाई पसीना छूट गए, मुझे ना कुत्तों से बहुत डर लगता है, हालांकि सबसे ज़्यादा प्यार मैं कुत्तों को ही करती हूँ, बट डर भी मुझे इनसे ही सबसे ज़्यादा लगता है। और मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर इस घर में कुत्ता बांधा हुआ है या खुला छोड़ा है, तो जब तक मम्मी नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊँगी आगे। यार मम्मी जल्दी आओ,
कहाँ सोचा था सबसे पहले खेत पे पहुँच के आराम करूँगी, और मैं आधे रास्ते में ही बैठ गई मम्मी का वेट कर रही हूँ ना। मैंने फ़ोन ही कर लिया और मम्मी ने बोला कि ये कुत्ता बांधा हुआ होता है, काटेगा नहीं, लकड़ी लेके जा। अब मेरे को डर लग रहा है, अगर मेरे को कुत्ते ने काटा तो ये लाइव होगा, देखना व्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगी जब बेड पर बैठी भी होंगी। तो बाहर आवा है ऐवे ही काट रहा है, अगर ये कुत्ता गलती से छूट गया ना, सॉरी ब्रो। ये जी हमारा खेत, यहाँ से ऊपर। वैसे मैंने पहले भी दिखाया है व्लॉग्स में, बट चलो फिर से देख लो यार जो लोग न्यू हैं मेरे व्लॉग में। एंड कुत्ता मेरे को नहीं काट पाया, थैंक गॉड, बांधा हुआ था। ये देखो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था ना जीरा के बारे में, काला जीरा वो है ये, और सेब के पौधे छुटकू छुटकू। तुम लोग मेरे ना हाफने की आवाज़ से पता लगा सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा चढ़ाई चढ़ के आई हूँ और थके हूँ, हालांकि इतना ज़्यादा भी नहीं है। मम्मी ये व्लॉग देख के हंसेंगे, इतना सा चल के तू थक गई। अच्छा ये बताने तो भूल ही गई कि जिस चीज़ से मैं ये घास काट रही हूँ ना, इस औजार को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जितरंग, दराटी। वैसे ऐसे ना हाथ से भी निकालते हैं घास, जो छोटे छोटे होते हैं ना उनको ऐसे निकालते हैं। कहाँ मैनीक्योर पेडीक्योर और वैक्सिंग करने की उम्र में खेत में घास काट रही हूँ। क्या ले जाएगी ये, मुश्किल ही थे बस से बाहर। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप लोग को, गिराऊंगी मैं इसमें दो, फिर मैं इस कट्टे में ले जाऊंगी। जाएगी सबके सबके रहेंगे। क्यों भारी है, बहुत भारी है। ऐसे बांधते हैं रस्सी, सीख लो सीख लो दोस्तों, कल परसों के बाद मुझे खुद बांधना पड़ेगा। सीख के रखती हूँ, इन्होंने क्यों सीखा ये बताएंगे ना अगर मेरे से बांधा नहीं गया तो। नमस्ते आपी, कैसे है? सुंदर लग रहे हैं, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हेलो, मुझे ना ये चखने में बड़ा अनकंफर्टेबल से आ रहा है, इससे अच्छा तो किल्टा था वो मैं चख लेती, बट मम्मी बोल रहे थे कि किल्टे से घास गिरा देगी तू, तो इसलिए इसमें बोरी में लेके आ। और जो आपने अभी अभी स्वीट स्वीट सी दादी देखी ना, उनका नाम है शकुंतला, बट उनको हम सभी सीताराम बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हमारे राम भगवान और सीता मैया की फ़ैन है, मतलब बहुत मानते हैं उनको, उनकी भक्त है। तो अभी उन्होंने बेचारे ने मुझे ना, यहाँ देखो हाथ, इसमें मुझे मूढ़ी दिया खाने के लिए, इसको मूढ़ी बोलते हैं। ये किसका बनता है, मम्मी से पूछ के बताती हूँ, किसी को पता है तो बता देना कमेंट सेशन में, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं यार, मैं फालतू की पहाड़न हूँ सच में, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता है खेत बगीचों के बारे में। ऊपर को चढ़ाई फिर भी इंसान चढ़ ले, जो नीचे को उतरना होता है ना वो भी सामान के साथ, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, टांगे कांपती है नीचे से। एनीवेज देखो जब सुबह आ रहे थे तो मौसम कितना साफ था, और अभी देखो बारिश होने वाली है ऐसा प्रतीत हो रहा है, और वहाँ वहाँ देखोगे ना सांगला साइड उधर तो बर्फ़ भी पड़ रही है। प्यास लग गई दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ये जो पानी है ना बिल्कुल फ्रेश वाटर है, ये ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, और ये बिल्कुल ग्लेशियर का पानी है, ठंडा ठंडा। अब तो रास्ता सीधा सीधा है, तो अब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक। थक गई दोस्तों, पर अब तो बारिश भी शुरू हो गई है, और मुझे पता कहाँ जाना है, वहाँ वो दिख रहा है ना आपको सामने घर, उस साइड इस एरिया में जाना है, बट इतना मुझे अभी पैदल चलना पड़ेगा। मैं थक गई हूँ दोस्तों, और अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है, ज़बरदस्ती पैरों को घसीट घसीट के ले जा रही हूँ, और बारिश होने वाली है तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वो सीधा गालों पे पड़ रही है, और ऐसा ठंड लग रहा है, देखो पिंपल जो अंदर चले गए थे वो दोबारा बाहर आ गए। अब तो मेरे पैर भी ऐसे जा रहे हैं, कभी बाएं कभी दाएं, अब ना वो गाना गाना चाहिए, इधर चला मैं उधर चला, नीचे चल जाऊंगी। हाँ देखो कहाँ से आई हूँ मैं, उस चोटी से,
यहाँ तक पैदल। कैन यू गाइज इमेजिन। पहुंच गई दोस्तों घर, ये मेरा घर। हाय, मैं आवाज भी नहीं निकल रही है। पहुंच गई और ये रस्सी लेकर जाती हूँ ऊपर। अगर मौसम देखोगे ना तो अब बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, मतलब मेरे पहुँचते पहुँचते तो शुरू हो गया। मम्मी के लिए शायद से बरसात हो रही होगी, मम्मी भीग के ना आ जाए। चलो अब जाते हैं घर। यहाँ देखो हमारा खतरनाक गेट कैसा लॉक है।